राजनीतिक आंदोलन। धन्यवाद। सियासी बवाल की बरसात में तर बतर हो गया संसद का मॉनसून सत्र। जासूसी कांड को लेकर सदन के भीतर लगातार हंगामा है, तो बाहर भी विपक्ष की मोर्चाबंदी है। मगर जो पेगासस का मामला है वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है, ट्रीजन का मामला है, क्योंकि ये जो हथियार है ये लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। ये प्राइवेसी का मामला नहीं। एक झूठे मुद्दे को, एक मैन्युफैक्चर्ड मुद्दे को आप कह रहे हैं कि ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे लिए कोरोना महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों ने आपके कुछ सांसदों को चुना है और भेजा है, उन इलाकों के लोगों का जीवन भी महत्वपूर्ण है। संसद के भीतर हंगामे का हाल देखिए। लोकसभा में विपक्ष ने पर्चे फाड़े और खैला होबे के नारे लगाए। संशोधित कार्य संचालन सूची के क्रमांक 11 पर। वही राज्यसभा में बवाल ऐसा कि सदन के सभापति को सख्त चेतावनी देनी पड़ी। This is not allowed, it's not going on record. I don't know why they have not done it earlier, chairman. I can't help it. फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है। मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया। आप हथियार निकालने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट गए, आप पुलिस थाने में जाके हथियार निकालने के लिए एफआईआर किया आपने। आप बताइए, आपको अगर हम में से किसी को पता चल जाए कि हमारे फोन के अंदर हथियार है तो हम हाथ पैर धर के घर में बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। हम जाके हथियार निकाले? कोई हथियार नहीं है। जो चीज है नहीं उसका हथियार बना करके पार्लियामेंट को रोकना। विपक्ष सरकार से जासूसी कांड पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं। सरकार कोरोना पर चर्चा चाहती है, जो विपक्ष को मंजूर नहीं। अगर हमने अभी कह दिया कि हम पेगासस पे डिस्कशन नहीं करेंगे और हम किसी और चीज पे डिस्कशन करेंगे तो पेगासस खत्म हो जाएगा। पेगासस का उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। जनता से जुड़े हुए प्रश्न को क्यों नहीं पूछे? आखिर कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कुछ और दल प्रश्न पूछने से क्यों भाग रहे? अगर सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है तो क्यों नहीं पूछ रहे? अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो क्यों नहीं कह रहे? मैं यही कहना चाहता हूं, इनका काम केवल रुकावट पैदा करना है। सदन में हंगामे और जोर आजमाइश से बात नहीं बनी तो सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने संसद से बाहर भी शक्ति प्रदर्शन किया। 14 पार्टियों ने बंद कमरे में बैठक की और बाहर निकलकर एकजुटता का संदेश दिया। सरकार को खुद जिम्मेदारी लेकर आगे आना चाहिए कि जी हाँ, चर्चा होनी चाहिए। जैसे राहुल जी ने कहा कि ये डेमोक्रेसी के आत्मा पर एक चोट लग गई, तीर लगा, ये तीर आगे से नहीं पीछे से मारा है, ये विश्वासघात है। हम विधेयक पर भी चर्चा चाहते हैं, लेकिन जो गंभीर मसले हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं, उस पर अब पर्दाधारी नहीं कर सकते। और एक विस्तृत चर्चा हो किसी आईटी मिनिस्टर की मौजूदगी में नहीं, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में विशद चर्चा हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। हम यही तो चाहते हैं कि डिस्कशन करो। गवर्नमेंट कहती है कि डिस्कशन से भागना चाहते हो, डिसरप्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट को। इससे ज्यादा कोई असत्य बात हो नहीं सकती। इससे बड़ा झूठा आरोप विपक्ष पर नहीं लग सकता है जो लगाया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये टॉप लीडरशिप से लगाया जा रहा है, ये और भी ज्यादा दिखा दी। विपक्ष ने दम दिखाया तो सरकार की रणनीतियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल जैसे सीनियर मंत्रियों के साथ चर्चा की। पेगासस क्या है, किस किस का नाम आ रहा है? यह हमारा अश्विनी जी वैष्णव तो मंत्री बनने से पहले वो एक एमपी थे, हमारा पार्टी के थे, एकदम जेंटलमैन टू द कोर, उनका नाम आया, इसमें कुछ तथ्य है क्या? बहरहाल विपक्ष के तेवर देखकर लग नहीं रहा कि सरकार की मुश्किलें जल्दी कम होंगी। मसला सिर्फ जासूसी कांड का नहीं है, बल्कि मसला 2024 के लिए बड़ा संदेश देने का है। मौसमी सिंह, हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।